हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एवर अपडेट चैनल। तो नीट 2021 पोस्टपोन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आई है। बात पूछ गई अब WHO, ठीक है, प्लस बात कर लेंगे NTA। WHO प्लस NTA का क्या रिस्पांस रहा है नीट 2021 पोस्टपोन को लेकर, तो चलिए सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। प्लस यहाँ पर देख सकते हो नीट 2021 पोस्टपोन को लेकर ट्विटर पर महासंग्राम चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ट्वीट दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे ट्वीट आ रहे हैं भर भर के कि स्टूडेंट का एक ही फैसला यहाँ पर नीट 2021 पोस्टपोन कराना। तो नीट 2021 स्टूडेंट को पोस्टपोन करानी है किसी भी हालत में। आप देख सकते हो पर अभी अभी हाल फिलहाल में जेई की फोर्थ सेशन के यानी कि एग्जाम चल रही है और बात आ गई अब नीट 2021 पर, क्योंकि बहुत ही करीब आ गई एग्जाम नीट 2021। अब जल्द यहाँ पर नीट अगर पोस्टपोन नहीं हुई तो स्टूडेंट यहाँ पर नाराज हो जाएंगे और उनका जो प्रिपरेशन है लगभग 1 ईयर 2 ईयर का जो उनका मेहनत है, ठीक है, वह बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए नीट 2021 जो पोस्टपोन होने वाली है आपकी एग्जाम या फिर अपडेट बहुत जल्द यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा। तो बात कर लेंगे यहाँ पर NTA का क्या रिस्पॉन्स रहा है। आप देख सकते हो NTA नीट 2021 चोरस टू पोस्टपोन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ग्रोज। आप देख सकते हो शिफ्ट नीट UG ट्रेंड ऑन ट्विटर। आपने देखा होगा जो जो कि पिछले बार यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टू ट्रेंड चल रहे हैं यहाँ पर ट्विटर पर। एक चल रहा है शिफ्ट नीट 2021 प्लस एक अभी अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेंड आ गया वह भी बहुत यानी कि फायदेमंद रहा है। आप देख सकते हो नीट 2021 एक आपका एक आ जाता है यहाँ पर, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पर शिफ्ट नीट UG 2021 जो कि महाराष्ट्र के मुंबई से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। और बात कर लेंगे आप देख सकते हो एक डिले नीट UG आपको दिख रहा होगा, यानी कि दोनों जो ट्रेंड है ना बहुत ही हाई फाई रहे और बहुत ही असर कर रहे हैं 2021 पोस्टपोन को लेकर। तो चलिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपकी पोस्टपोन रिलेटेड अपडेट आ जाती है। जैसे यहाँ पर अपडेट आ जाती है तो सबसे पहले आपको A1 अपडेट जरूर अलर्ट कर देगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास की बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आने वाली हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, स्टूडेंट हैव ऑल्सो रेज कंसर्न अगेंस्ट द पॉसिबल थर्ड वेव ऑफ कोरोना। और बात कर लेंगे यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, ठीक है, WHO का भी कहना है कि थर्ड वेव जो है ना, क्योंकि आप देख सकते हो अदर जो साइड बाय साइड कंट्रीज है ना वहाँ पर थर्ड वेव ऑफ कोरोना यहाँ पर बहुत तेज़ी से असर कर रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने एक उम्मीद जताई कि स्टूडेंट हैव ऑल्सो रेज कंसर्न अगेंस्ट द पॉसिबल थर्ड वेव ऑफ कोरोना। अब कोरोना के भी यहाँ पर सवाल उठ गया है, ठीक है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट बी राइटिंग द एग्जाम एंड हाफ ऑफ द एस्पिरेंट आर एट टू बी वैक्सीनेट अगेंस्ट द डिले वायरस दस पोजिंग अ थ्रेट टू देयर हेल्थ। तो देख लीजिए आप उनके हेल्थ को भी प्रॉब्लम है, यानी कि स्टूडेंट के हेल्थ को भी अब प्रॉब्लम है, नीट 2021 एग्जाम पोस्टपोन ही कराना होगा। तो चलिए बहुत जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ NTA को फैसला लेने पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर NTA के अकेले के हाथ में कुछ नहीं। मैं बोलूँगा आपको आपकी सीधी सरल भाषा में, तो ऊपर से अगर यानी कि गवर्नमेंट ने अगर कोई यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया या फिर ऑर्डर उठा लिया तो NTA को पोस्टपोन कराना ही पड़ेगा और पोस्टपोन करेगी ही NTA, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्द यहाँ पर अपडेट आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।